बहुत ही अफसोसनाक खबर आपको इस वक्त शेयर करते चलें कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है, दिया गया है, उनकी शहादत की इतलात आ रही हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड अरशद शरीफ कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात आ रही हैं और ताता बंधा हुआ है ट्वीट्स का। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, तमाम ही अफराद रंजीदा हैं, गम में हैं और अरशद शरीफ को बताया जा रहा है कि उनके साथ जो हुआ है, तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। बहुत ही एक मुश्किल घड़ी है बोल न्यूज़ के लिए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको इस वक्त अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान कुछ अरसे कबल छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुके थे और अब उनकी शहादत की इतलात आ रही हैं। आपको इस वक्त अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात आ रही हैं। अफसोसनाक खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं अरशद शरीफ, सीनियर सहाफ़ी और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से वाबस्ता रहे, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता रहे, ARY से वाबस्ता रहे, बोल न्यूज़ ज्वाइन कर चुके थे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको इस वक्त अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। इंतहाई गम की ये खबर है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरह से इस पर बात करूँ। सीनियर तज़ियाकार